people of Tripura that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC area to press for our demand for a constitutional convention with the Government of India. The bandh will be from 6 a.m. to 6 p.m. But this is a beginning of telling the Government of India that we want an early solution to our problem. And on the 30th of September, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज में की प्रासा बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सॉल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है लेकिन पेशेंस इज रनिंग थिन। एंड इन अ वे हम लोग एक सिम्बॉलिक बंद कर रहे हैं एक आवाज में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। त्रिपुरा मोथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना त्रिपुरासा है जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ और हमें संवैधानिक सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज भेज सकते हैं। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल, आई थिंक देयर इज, दैट्स इट, थैंक यू।